हमीरपुर जिला के लंगलू में हुए हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देने व हत्या के कारणों का पता लगाने के मुद्दे पर मृतक के परिजन व ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात की और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और मांग की कि हत्या के कारणों का भी पता लगाया जाए। मृतक की मौसी राज दिमहान ने बताया कि मृतक के माता की हालत दयनीय है और वो जानना चाहती है कि उसके बच्चे को किस कारण से मारा गया। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि दोषियों ने काम देने के बहाने मृतक को उसके गांव कश्मीर से लंबुल लेकर आए और दो दिन बाद उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक मारुति कंपनी में काम करता था और कोरोना महामारी के कारण कुछ समय से घर पर आ गया था। उन्होंने कहा कि लंबलू क्षेत्र में हुई इस घटना से हर कोई सहमा हुआ है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जानी चाहिए। साहब से मिलने आई हूँ, मेरे इस नाम के लड़के का तो एक मेमोरेंडम देने आए थे, तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि जांच अधिकारी जो भी करेगा उसको उस अधिकारी को सख्त आदेश दिए जाए कि मर्डर की तहकीकात में जाएं कि क्या रीजन था, किस वजह से जो है उनका मर्डर किया गया। शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाने आए हुए हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, निष्पक्ष फैसला होना चाहिए और जिन हत्यारों ने जो लंबुल के चार लड़के पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस से हम खुश हैं कि पुलिस ने दूसरे दिन बॉडी जो थी वो शिनाख्त कर ली थी। एक हत्यारों का गांव बन गया और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनके पूरे नाम जो आने चाहिए। और ये ही हमारी जो आवाज़ है ये हमारे जयराम मुख्यमंत्री तक भी जाने चाहिए, क्योंकि इस काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है आरोपियों को दंडित किया जाए, जितनी कड़ी से कड़ी सजा जो है वो उनको दी जाए। और आज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उस भोले भाले बच्चे का क्या अपराध था जो उसको बहला फुसला के और घर वालों को नौकरी का झांसा दे के घर से ले गए और दो दिन के बाद जो था मर्डर कर दिया, तो ऐसी क्या रीजन था। अगर हमारे बच्चे ऐसी इसको पता होता कि कोई रंजिश है, कोई लड़ाई है, तो हमारे बच्चे ने घर से नहीं जाना था उनके साथ। ये है कि हत्यारों को जो है जिस तरह से हमारा बेटा तड़पा तड़पा के मारा, उसी तरह से उनके ये जो हत्यारे हैं इसी तरह से उनको मारा जाए और सीधा फांसी पे चढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि लंबलू हत्याकांड एक जघन्य अपराध है और दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को शक है कि दोषी अपना रसूख का फायदा उठाकर बच सकते हैं, इसलिए उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। पर वो जिस ढंग से मारा गया है वो एक हीनियस क्राइम है और जिस ढंग से उसको तड़फा तड़फा के मारा गया है और जिस ढंग से उस पर पत्थर फेंके गए हैं और जिस ढंग से उसको पूरी तरह डैमेज कर दिया, उसका जो शरीर है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो ये कश्मीर से ये इनके राज दीमान जो हमारी महासचिव भी हैं जिला कांग्रेस कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में ये आज वहाँ से कश्मीर से डेपुटेशन आया है वहाँ के गाँव वासियों का। इनका सबसे बड़ा एक ही जो मांग है सरकार से प्रशासन से वो इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी एजेंसी इसकी जांच करे वो निष्पक्षता से करे। और इनको ये डाउट भी है कि जो वो लोग हैं अपराधी लोग हैं उनका रसूख है, वो बड़े रसूख वाले हैं, तो वो अपने रसूख का मिसयूज करके इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश न करें। प्रशासन इससे आगाह रहे और प्रशासन निष्पक्ष होकर फैसला अपनी तरफ से जांच करे और जो भी जांच में निचोड़ आता है वो सबके सामने लाएं।